इस इवेंट में आपने देखा कि हम अपने शहीद साथियों को श्रद्धांजलि देने के साथ साथ स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज और नशा मुक्त भारत का जो अभियान जो फिर से बड़े जोश खरोश से सब जगह पे चल रहा है उसका हिस्सा बने हैं। हमारी ये कोशिश है कि नौजवान साथी जो आज फिर से जिनको उम्मीद की किरण सामने दिखाई दी है, कत्लोगारत का माहौल, दहशतगर्दी का माहौल काबू में है और इस वक्त नौजवान को फिर से अपनी उम्मीदों को रोशन करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए मौके देने का, मौके फराहम करने का वक्त है। कल साउथ कश्मीर में दो ज़िलों का दौरा ऑनरेबल एलजी साहब ने किया और उन ज़िलों में लोगों के साथ मुलाकातें हुई, नौजवानों के साथ मुलाकातें हुई और नौजवानों की जो एंटरटेनमेंट के ज़रिए जो जहां पर कभी थे आज नहीं हैं, पुलवामा में, शोपियां में फिर से थिएटर का माहौल, फिल्म देखने बनाने उनका माहौल फिर से ज़िंदा हुआ कि सोशल मीडिया 24/7 अंडर वॉच रहता है। इसमें जिस तरह भी की भी नकलो हरकत होती है, पहले आप देख रहे होंगे कि उनको नाकाम करने में हम कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। जहां हुर्रियत ख़त्म हो चुकी है मगर उस हुर्रियत को ज़िंदा रखने के लिए उन्होंने पाकिस्तान के अंदर हुर्रियत का चैप्टर खोल रखा है। जब भी बंद की कॉल होती है, जहाँ कोई है नहीं वहाँ से बंद की कॉल फ्लोट होके आती है मगर उनके मुंह पे तमाचा कश्मीर के लोग, जम्मू के लोग मारते हैं, कहीं को बंद नहीं होता। 5 अगस्त की बात हुई, कोई बंद नहीं था। 15 अगस्त की बात हुई, बड़े जोश खरोश के साथ 15 अगस्त सप्ताह मनाया गया। तिरंगा यात्रा की बात हुई, घर घर तिरंगा का कार्यक्रम हुआ। किश्तवाड़ आपका जहाँ से लेके कठुआ तक कश्मीर का पूरा एरिया समझ लीजिए कि कोई एक ऐसा जगह नहीं थी जहाँ पर बहुत सारे अच्छे कार्यक्रम नहीं हुए। आज भी अगर आप दूर देहात में भी चले जाएं, मैं परसों करना और केरन के एरिया में गया था जो बिल्कुल हमारा सरहदी इलाका है, उसके बाद पाकिस्तान है, उस जगह पे भी तिरंगे लोगों के घरों के ऊपर झूम रहे हैं। मुझे खुशी है कि हर कार्यक्रम का हिस्सा लोग खुद बन रहे हैं और लोग चाहते हैं कि अमन हो, इसलिए जो सोशल मीडिया के जरिए से साजिशें पाकिस्तान आगे बढ़ाना चाहता है, लोगों को वो इंस्टिगेट करना चाहता है, नौजवान बच्चे उनकी साजिशों को समझ चुके हैं। देखिए, मदरसे ज़्यादातर अच्छा काम करने वाले हैं मगर कहीं कहीं कोई गलत नकलो हरकत में जो जगह पर गलत तालीम को जहाँ से बच्चे जो है मिलिटेंसी की तरफ गए तो उनके ऊपर नज़र रखना लाजमी है, नज़र रखी हुई है। अगर कोई गलत काम करेगा तो ही उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करी जाएगी। कोई अच्छा काम बच्चों को अगर पॉजिटिव सोच के साथ जोड़ता है, उस तरह की चीज़ को हम लोग हमेशा वेलकम करते हैं। किश्तवाड़ में मैं तो ये कहूँगा कि अमन के जो पहरेदार हैं वो एक्टिव हैं, मिलिटेंसी यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है। मिलिटेंसी लंगड़ी होकर के कहीं एक आध कोने में कहीं कोई एक आध आदमी अगर घूम रहा होगा तो मुझे लगता है कि वक्त उसके भी सफाई का इंतजार कर रहा है। होने की कोशिश जरूर हो रही है मगर मिलिटेंसी रिवाइव नहीं हो रही है, पहली तो बात ये क्लियर होनी चाहिए। मिलिटेंसी के बचे हुए निशान खत्म करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस को, फोर्सेस को जहां भी इतला मिलती है कि पुराना किसी का दबा हुआ सामान अभी भी किसी जगह पे पड़ा हुआ है जो लोगों के खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है, उस सामान को निकाला जाता है। नया सामान थोड़ा बहुत पास से देखने की कोशिश होती है मगर पुलिस और हमारी फोर्सेस तक बहुत सारा ऐसा सामान जो पास से स्मगल होकर ड्रोन के जरिए जहाँ बाकी जरियों से आता है वो पकड़ा जा रहा है। और अभी जो जहां का जिक्र किया मैंने, अभी बताया कि इस तरह की नकलो हरकत पार है कि जहां कोई पुराना नौजवान जहां से उठ करके पाकिस्तान में गया हुआ है, मिलिटेंसी के साथ वाबस्ता था, उसके रिश्तेदारों के जरिए नए लोगों को मिलिटेंसी की तरफ धकेलने की कोशिश करें। आपने इतने बड़े जलसे के बीच में पब्लिक के सेंटिमेंट को देखा, पब्लिक ने क्या कहा? पब्लिक ने कहा कि हम बिल्कुल इस तरह की नकलो हरकत के खिलाफ हैं, हम किसी का साथ नहीं देंगे, ये हमारा वादा है। इस तरीके से अगर कोई पाकिस्तान ऐसी साजिश करता भी है उसको बुरी तरह नकारा जाएगा, लोग उसको नकारेंगे और हम इनके साथ हैं।